आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। कर्नल जी, यहीं से बात करें अगर उस कृषि फसल की जिसमें सबसे ज़्यादा इस समय किसानों की, सरकार की, पोल्ट्री वालों की नज़रें टिकी हुई हैं, जो कि हमारी सोयाबीन। कर्नल अजय जी, सोयाबीन में हमने देखा है कि किसानों ने स्टॉक भी किया है, प्लांट वालों की तरफ से ऊंचे भावों पर खरीदारी भी देखी है, और जैसे कि आपने अपने पिछले इंटरव्यूज़ में मार्केट एमसीवी के माध्यम से बता दिया था कि कोई सोयाबीन की तेज़ी रोक सकता है तो रोक कर दिखाए। आपकी जो प्रिडिक्शन थी वो सत्य साबित होती नज़र आ रही है। अब यहाँ से आगे क्या सोयाबीन में आगे भी तेजी जारी रहेगी? और दूसरा, क्या पोल्ट्री वालों की जो मांग सरकार ने अभी तक नहीं मानी है, तो क्या इसको मान लिया जाए कि अब तक पोल्ट्री वालों को सरकार ने हरी झंडी नहीं दी है? अखिलेश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, क्योंकि तिलहन के अंदर सोयाबीन के की महत्वता का को इनकार नहीं किया जा सकता। और तिलहन के अंदर जब तक सोयाबीन के ऊपर हम चर्चा ना करें, उसकी तेजी मंदी की बात ना करें, तो तिलहन का के विवेचना और विश्लेषण पूरा नहीं हो सकता है। आपका जो अहम सवाल है कि सोया डीओसी की पर जो बात कर रहे हैं और ये पोल्ट्री फार्म की जो उसकी बड़ी मांग है सरकार को, सरकार ने लगभग 1.5 महीने पहले सोया डीओसी की इम्पोर्ट करने की जो इजाजत दी थी वो पोल्ट्री फार्म में पूरा उसका इम्पोर्ट नहीं किया है। और वो इम्पोर्ट नहीं करने की एक वजह थी क्योंकि जो विश्वसनीय सूत्रों से और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने सोयाबीन के उत्पादन के जो डाटा डिक्लेयर किए थे वो लगभग 119 लाख टन के थे, और पोल्ट्री फार्म के जो कारोबारी है उन्होंने ये दिमाग में लगाया कि 119 लाख टन जो सोया की जो उत्पादन है और उससे सोयाबीन के दामों के अंदर बेताशा कमी भी देखी गई, 9 से 9.5 हजार रुपए का सोयाबीन 5 हजार या के आसपास जो ट्रेड हुआ, तो उस बेताशा गिरावट को देखते हुए सोया डीओसी की इम्पोर्ट नहीं की गई। लेकिन उस वक्त भी हमने कहा था कि देखिए कि सोयाबीन के ये दाम किसानों को पर्वता नहीं है, किसान इसमें किसी भी कीमत पर माल देने के लिए तैयार नहीं होंगे, और विशेषकर जो मिलर्स थे उन्होंने भी और मंदी की धारणा रखी और उन आंकड़ों को पर अपना विश्वास जता के, और उसका नतीजा ये हुआ कि जब सोयाबीन के अंदर 5000 से बढ़कर 6900 आया तो उनको सबके होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने वो शानदार अवसर गवा दिया था जो कि उनको हमने मार्केट टाइम्स टीवी और दूसरे विभिन्न टीवी चैनल्स के जरिए हमने आगाह किया था, और अब उनकी उनको समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए, क्योंकि 5000 का भाव में उन्होंने अपना रॉ मटेरियल यानी सोयाबीन नहीं खरीदा, अब सोयाबीन के दाम लगभग 30% से अधिक हो गए हैं, अब उनके लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या करें, ऊंचे भाव में खरीद लें या फिर थोड़ा ऐसे इंतजार कर लें कि नीचे आएगा। और सोया डीओसी के जो ये पोल्ट्री फॉर्म के जो कारोबारी हैं उन्होंने भी सोयाबीन को और गिरने की आशा के अंदर माल नहीं खरीदा। अब समस्या ये है कि यदि वो विशेषज्ञों की बात सुने, अपना दिमाग लगाएं, आंकड़ों पे नजर रखें, और मार्केट टाइम्स टीवी और दूसरे विभिन्न टीवी चैनल्स पे जिन्होंने हमारी बात सुनी समझी आज वो नाच रहे हैं, उन चेहरे उनके खिले हुए हैं, क्योंकि लगभग उनको 30% का फायदा लगभग 1.25 महीने में ही दर्ज हो चुका है। और अब आपका सवाल यह है कि सरकार क्या करे, सरकार क्या पोल्ट्री फार्म की बात सुने, सरकार क्या किसानों की बात सुने? लेकिन प्रश्न यह है कि पोल्ट्री फार्म की बात क्यों सुने, जब सरकार ने उनको इम्पोर्ट का लाइसेंस दे दिया था, इम्पोर्ट की इजाजत दी थी, उन्होंने पूरा इम्पोर्ट नहीं किया, बाजार से भी उन्होंने 5000 के भाव जब सोया था उन्होंने माल नहीं खरीदा, अब जब दाम बढ़ रहे हैं तो आप उसकी अवधि बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो चिट भी मेरी और पुट भी मेरी, ऐसा कैसे चलेगा? क्या किसान हमेशा परेशान रहेगा?
क्या पोल्ट्री फार्म की तरफ देखे सरकार, जो कि उन्होंने उन्होंने अच्छी बॉल पे चौका मारने से वो चूक गए, उन्होंने पूरा डीओसी का इंपोर्ट नहीं किया और कच्चा जब सस्ता माल था उस वक्त उन्होंने माल नहीं खरीदा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये न्यायोचित होगा कि सोयाबीन के किसानों को इन पोल्ट्री फार्म की गलती की सजा दी जाए, ये बिल्कुल उचित नहीं है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जो मुर्गी पालक हैं उनको और दूसरी पशु आहार भी उपलब्ध है, मक्का का ये इस्तेमाल करते हैं, बाजरा का ये इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जो कमी पूर्ति है वो उससे कर सकते हैं। तो मेरी नजर के अंदर सरकार को किसी भी रूप में पोल्ट्री फार्म के दरखास्त के ऊपर, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर इंपोर्ट करने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, और यदि वो मिलती है तो ये किसानों के हितों पर कुठाराघात होगा और सोयाबीन की फसलों को उगाने वाले किसानों को पूरा लाभ नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल उचित नहीं है। मैं किसानों की तरफ से और मार्केट टाइम्स टीवी के ऊपर अपना मत देता हूं, यदि किसी को पसंद नहीं आए तो कोई एक अलग बात है, मेरा ये व्यक्तिगत मत है, इसमें मैं किसानों के साथ हूं। जी अखिलेश जी। जी, तो यानी कि जब सोयाबीन के भाव सोया खली के आयात के चलते गिर चुके थे, तब पोल्ट्री वालों को माल खरीद कर रख लेना चाहिए था, क्योंकि सोयाबीन एमएसपी से भी आधी से भी नीचे रेट पर गिरती नजर आई थी। औंधे पौने दाम पर सोयाबीन किसानों ने अपनी सोयाबीन बेची है, नीचे में 1200-1300 तक सोयाबीन के दाम जाते नजर आए थे, तब पोल्ट्री ने सस्ते दामों पर माल नहीं खरीदा, इनफैक्ट एमएसपी से भी आधे से नीचे जाता हुआ नजर आया था। तब पोल्ट्री वालों ने इतना भी नहीं सोचा कि उनको उस समय उस दाम पर अपना स्टॉक कर लेना चाहिए, लेकिन अब जैसे ही किसानों सोयाबीन किसान को कुछ फायदा होने लगा, पोल्ट्री वाले फिर से सरकार को चिट्ठी पर चिट्ठी लिखने लगे और मांग करने लगे हैं कि जो सोया खली के आयात की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया जाए। लेकिन सोयाबीन किसानों का ये सवाल है कि जब सोयाबीन का बुआई के समय बीज महंगा मिल रहा था तब आयात नहीं किया गया, आयात होता तो सोयाबीन बीज उपलब्ध होता और सोयाबीन किसानों को इतनी मेहनत मशक्कत ना करनी पड़ती, इतना नुकसान ना झेलना पड़ता। दूसरा, अब जब सोयाबीन किसानों को कुछ फायदा होने लगा है तो पोल्ट्री फिर से सरकार से मांग करने लगी है, और जबकि गलती जो थी पोल्ट्री की ही थी कि जब एमएसपी से सोयाबीन नीचे लुढ़क चुकी थी तब सोयाबीन का स्टॉक क्यों नहीं किया, जब पोल्ट्री वालों के लिए अच्छे दाम थे तब पोल्ट्री ने क्यों गलती करी और स्टॉक क्यों नहीं किया। तो सोयाबीन किसान लगातार पोल्ट्री वालों से ये सवाल पूछ रहा है, और सोयाबीन किसानों का कहना सही भी है, क्योंकि जब गलती पोल्ट्री कर रही है, निचले स्तरों पर भी खरीदारी नहीं कर रही है सोयाबीन की, तो उनकी गलती का खामियाजा सोयाबीन किसान क्यों भुगते। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।